हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर आज से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है फिफ्थ चैप्टर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, और ये है महाजनपद। तो महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। और उसके बाद हमने स्टडी किया था प्री हिस्टोरिक पीरियड, जहाँ पे हमने देखा था पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एज के बारे में, चालकोलिथिक, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा था। उसके बाद वैदिक एज, जहाँ पे हमने अर्ली वैदिक, ऋग वैदिक जिसे कहते हैं, और लेटर वैदिक के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे जो फिफ्थ चैप्टर है हमारा महाजनपद, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और टू द पॉइंट एकदम नोट्स है, तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आप इसके साथ साथ अगर कोई बुक रिफ़र करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी से रिफ़र कर सकते हैं, और ये बेसिकली एनसीईआरटी का ही नोट्स है, एनसीईआरटी से बनाया हुआ, और बाकी कुछ टेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनाया हुआ नोट्स है। तो काफ़ी टू द पॉइंट नोट्स है, कम टाइम में अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा रिविजन करना तो आप यहाँ से इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पीरियड ऑफ महाजनपद 600 BCE इज ऑल्सो नोन एज द पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। जो महाजनपद का पीरियड है 600 BCE के पास, उसे कहा जाता है पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। तो पहला अर्बनाइजेशन का पीरियड कौन सा था? IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपका पहला था। और दूसरा जो अर्बनाइजेशन है वह आपका है महाजनपद का पीरियड। दिस पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड एंड ड्रिवन बाई डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफिकल मूवमेंट्स लाइक जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। यह जो पीरियड है महाजनपद का, यह इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है। किस चीज़ से? बाय द डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफिकल मूवमेंट चले, जैसे कि जैनिज्म का डेवलपमेंट हो या बुद्धिज्म का डेवलपमेंट हो। हमने पिछले वीडियो में देखा था कैसे लेटर वैदिक टेक्स्ट में, लेटर वैदिक एज में बहुत सारी ये आपका समाज में बुराइयाँ कह सकते हैं आ गई थी, कैटल का सेक्रीफाइस करना, महिलाओं को सम्मान न देना, ठीक है, जाति सिस्टम, वर्णा सिस्टम काफ़ी रिजिड हो चुका था, तो काफ़ी बुराइयाँ आ चुकी थी, और इससे निकलने के लिए ही बुद्धिज्म और जैनिज्म का डेवलपमेंट होता है। द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी शिफ्टेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न UP टू ईस्टर्न UP एंड बिहार, गंगा बेसिन। और जो इस एज में महाजनपद के टाइम में जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटी था वो शिफ्ट हो गया, कहाँ से कहाँ तक? तो पहले था नॉर्थ वेस्ट, इंडस वैली के आसपास का वाला इलाका, नॉर्थ वेस्ट पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न UP से कहाँ चलाया? बिहार के पास चलाया, गंगा बेसिन में चलाया। मोस्ट ऑफ द महाजनपद्स वेयर सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ विंध्याज, विंध्याज रेंज है उसके नॉर्थ में बहुत सारा महाजनपद एग्जिस्ट कर रहा था, बिटवीन बिहार इन द ईस्ट, ईस्ट में आपका बिहार हो जाएगा, बिहार इन द ईस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो नॉर्थ वेस्ट सब आपका फ्रंटियर होगा सब कॉन्टिनेंट में, वहाँ से बीच में सब महाजनपद आपका एग्जिस्ट कर रहा था। अर्बन सेटलमेंट एंड द यूज ऑफ आयरन टूल्स इनेबल्ड द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज टेरिटरीज कॉल्ड महाजनपद। अब चूंकि यहाँ पे आयरन टूल्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, अर्बन सेटलमेंट होने लगे थे, एग्रीकल्चर बहुत होने लगा था, आयरन का यूज़ होने के कारण हथियार बनने लगे थे, और खेती एग्रीकल्चर काफ़ी इम्प्रूव हो चुका था। तो अब यहाँ पे क्या है, बड़े बड़े टेरिटरीज बनने लगे, किंगडम्स बनने लगे, जिसे कहा गया महाजनपद कहा जाने लगा। दीज परमानेंट सेटलमेंट्स लेट टू द फाउंडेशन ऑफ जनपद। अब ये जो परमानेंट सेटलमेंट था, इससे क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ जनपद का फाउंडेशन हुआ और टेरिटोरियल स्टेट्स बनने लगे अंडर द कंट्रोल ऑफ द किंग, जो किंग के कंट्रोल में रहने लगा। द यूज ऑफ बेटर आयरन टूल्स, जैसे हमने कहा कि बढ़िया सा आयरन टूल्स बनने लगा, वीपन्स हथियार बनने लगे, इनेबल्ड सम टेरिटोरियल स्टेट्स टू बिकम वेरी लार्ज। तो कुछ टेरिटोरियल स्टेट्स क्या हो गया, बहुत ही लार्ज हो गए, बड़े हो गए, एंड दे केम टू बी कॉल्ड एज महाजनपद, और ये क्या है, खुद को महाजनपद कहलाए जाने लगे, मतलब लार्ज टेरिटोरियल यूनिट, जन से जनपद बना और जनपद से क्या हुआ, महाजनपद बन चुका था इन नॉर्थ इंडिया में। ऑल्सो आयरन वेपन्स मेड द वारियर क्लास मोर इंपॉर्टेंट, और जो आयरन वेपन्स था, हथियार था, वहाँ पर क्या हो गया, वारियर क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। एंड स्लोली पीपल गेंड अ स्ट्रॉन्ग एलिजेंस टू द टेरिटरी दे बिलोंग टू रैदर दैन द जन और ट्राइब। धीरे धीरे क्या हुआ, लोग अपने जो जिस टेरिटरी से बिलोंग करते थे, जमीन से बिलोंग करते थे, उसके प्रति काफ़ी वफादारी आने लगी, रैदर दैन जन और ट्राइब, किसी ट्राइब या जन के प्रति जितनी वफादारी नहीं थी, उससे ज़्यादा उस जमीन के प्रति, उस टेरिटरी के प्रति वफादारी डेवलप होने लगी धीरे धीरे। द रिच लैंड ऑनर्स ड्यूरिंग महाजनपद पीरियड वेयर कॉल्ड एस गृहपति, जो बड़े बड़े लैंड ऑनर्स थे, जमीन के मालिक थे, वो क्या, वो आपको गृहपति कहलाए जाने लगे। दीज लैंड ऑनर्स एम्प्लॉयड लेबरर्स कॉल्ड दासाज, और यही लैंड ऑनर्स क्या, लेबरर्स को एम्प्लॉय करने लगे, जिसे दासाज कहा जाता था, एंड कर्मकाराज, ठीक है, कर्मकाराज एंड दासाज।
The smaller landowners were known as कसकास और कृषक्स। जो छोटे लैंड ऑनर्स थे उसको कसक्स और या कृषक कहा जाने लगा। ठीक है, द सोसाइटी ड्यूरिंग महाजनपद वाज स्टेटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना एंड वर्ना इमर्ज्ड एज अ मार्कर ऑफ स्टैचू। ठीक है, तो महाजनपद का सोसाइटी था वो बढ़ चुका था ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण के आधार पे, एंड वर्ना इमर्ज्ड एज अ मार्कर ऑफ स्टेटस, स्टेटस के मार्केट के रूप में, मार्कर के रूप में उभर चुका था वर्ना सिस्टम। ठीक, एट दैट टाइम देर वेर 16 सच महाजनपद, उस टाइम 16 इस तरह ऐसे महाजनपद थे। ठीक है, एज पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंग उत्तर निकाय, तो अंग उत्तर निकाय क्या है, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और उसके अनुसार टोटल 16 महाजनपद इनिशियली थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड ब्राह्मी स्क्रिप्ट अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ब्राह्मी स्क्रिप्ट डेवलप हुआ था, अपीयर हुआ इसी टाइम में। सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो क्या क्या महाजनपद के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिली, हमें मिली अंगोत्तर निकाय से जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, और एक भागवती सूत्र जो कि जैन टेक्स्ट था। तो जैन टेक्स्ट, भागवती सूत्र और बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगोत्तर निकाय से जानकारी मिली। ठीक है, तो ये आपका मैप दिया हुआ है एनसीईआरटी का। ठीक है, यहाँ पे से आप 16 महाजनपद को लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे मगध है, वृज्जी है, अंग है, काशी है, मल्ला है, कोसाला, पंचाला, कुरु, इधर कंबोज नॉर्थ वेस्ट में, गंधारा नॉर्थ वेस्ट में, मत्स्य, अवंती, असाका नीचे में है, क्षेत्रिया, वत्स। ठीक है, इट्स शुड बी नोटेड दैट द मोस्ट पावरफुल स्टेट्स इन द 6th सेंचुरी, अगर सबसे इम्पॉर्टेंट अगर पावरफुल राज्यों की बात करें तो वो क्या कहता, मगध, कोसाला, वत्स एंड अवंती, एंड टू ऑफ द महाजनपद वज्जी एंड मल्ला वेर द गण संघ दैट इज रिपब्लिक्स। तो अगर चार सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल राज्य की बात करेंगे तो 6th सेंचुरी BC में, तो मगध, कोसाला, वत्स और अवंती चार इंपॉर्टेंट हो गया, और इसमें से दो जो रिपब्लिक था वो था एक वज्जी संघ और मल्ला संघ, ये गण संघ था मतलब रिपब्लिक था। यहाँ पे द गण संघ मतलब क्या हुआ, लिटरली मीनिंग एन असेंबली ऑफ गण, एक असेंबली ऑफ गन, लोगों का असेंबली था, कोई राजा हेरिडिटरी राजा नहीं था, रिपब्लिक था। दोज हु क्लेम टू बी ऑफ इक्वल स्टेटस, सभी गन जो ट्राइब्स थे उससे मिलके एक असेंबली बनाते थे रूल करने के लिए। ठीक है, द गण संघ वेर अल्टरनेटिव पॉलिटी टू द किंगडम्स, तो किंगडम्स के एक तो किंगडम हो गया जहाँ पे एक राजा होगा रूल करेगा, उसके अलावा एक गण संघ होगा जहाँ पे बहुत सारे ट्राइब होंगे, क्लैन होंगे जो मिलके एक असेंबली फॉर्म करेंगे और फिर वो रूल करेंगे, तो यहाँ पे हेरिडिटरी सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, तो गणसंघ कौन कौन था, वज्जी और मल्ला। अनलाइक किंगडम्स वेयर दे हैड अ सिंगल हेरिडिटरी मोनार्क, अनलाइक किंगडम्स, जैसे कि किंगडम्स की तरह नहीं, दे हैड अ सिंगल हेरिडिटरी मोनार्क, द गणसंघ हैड अ गवर्नमेंट बाय असेंबली। तो किंगडम्स में क्या था, किंगडम्स में वहाँ पे एक सिंगल हेरिडिटरी मोनार्क हुआ करते थे, लेकिन गणसंघ में क्या था एक असेंबली के द्वारा सरकार चलाई जा रही थी, एंड विद इन दिस असेंबली, और इस असेंबली के अंदर टू दे हैड एन ओलीगार्की, क्या था, ओलीगार्की था। सम ऑफ द गन्स वेयर ऑफ वन क्लैन, कुछ गन्स एक क्लैन के थे, जैसे कि साक्या क्लैन हो गया एंड द मलाज हो गया, वाइल द अदर्स वेयर कन्फेडरेशन ऑफ सेवरल क्लैंस, जैसे वज्जी जो संघ था यहाँ बहुत सारे क्लैन से मिलकर बना हुआ था, लेकिन कुछ गन में सिर्फ एक ही क्लैन था, एक ही ट्राइबल कम्युनिटी थी, जैसे कि साक्य क्लैन हो गया, मल्लाज हो गया, यहाँ पे क्या है एक ही क्लैन से पूरा गन बना है, लेकिन वज्जी संघ में क्या है बहुत सारे क्लैन से मिलकर वज्जी संघ बना था। तो ये आपका हो गया। अगर हम बात करें महाजनपद की पॉलिटी की बात करें, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तो अभी जस्ट हमने देखा दो तरह की गवर्नमेंट थी, एक मोनार्की जहाँ पे किंगडम्स था और एक रिपब्लिक। तो किंगडम्स आपका हो गया, मोनार्की कहाँ कहाँ पर था, तो अंग, मगध, काशी, कोसाला, वत्स, छेदी, सुरसेन, मत्स्य, अवंती एंड गंधारा। और जो गण संघ, वज्जी, मल, कुरु, पंचाल, कंबोज, साक्य, कोलियाज एंड मोरियास। ठीक है, तो ये आपका रिपब्लिक था और ये आपका किंगडम था। डिफरेंस बिटवीन किंगडम एंड गण संघ, अगर किंगडम्स और गण संघ के बीच में डिफरेंस हम देखें तो गण संघ चीफडम्स एंड ओलीगार्की एंड किंगडम पॉलिटी, द चीफ ऑफिस वॉज नॉट हेरिडिटरी, तो गणसंघ में जो चीफ ऑफिस था ना वो हेरिडिटरी नहीं था, एंड वॉज नोन एज गणपति और गणराज। ठीक है, तो गणसंघ के चीफ को क्या कहा जाता था, गणपति या गणराज। वहीं अगर हम बात करें किंगडम्स में, तो किंगडम्स रजिस्टर्ड ए सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट होती थी विद अ किंग एज सॉवरन, किंग एज अ सॉवरन रूलर, एंड ऑल द पावर्स वॉज वेस्टेड इन हिम एंड द रूलिंग फैमिली।
सारा पावर किसके पास होता था? उस किंग के पास या उसके रूलिंग फैमिली के पास। द पावर वॉज वेस्टेड इन एन अरिस्टोक्रेटिक काउंसिल, पावर वॉज वेस्टेड इन द अरिस्टोक्रेटिक काउंसिल। घनसंघ की बात हम कर रहे हैं, पावर किसको मिलता था? अरिस्टोक्रेटिक काउंसिल को, एक असेंबली को, जिसमें कंप्राइजिंग हेड्स ऑफ लीडिंग क्षत्रिय फैमिली, जो लीडिंग क्षत्रिय फैमिली की हेड होते थे, एंड द अथॉरिटी स्ट्रक्चर ऑफ गन्स एंड द अथॉरिटी स्ट्रक्चर ऑफ गनास हैड ग्रेटर एलिमेंट ऑफ ट्राइबल ऑर्गनाइजेशन। तो ट्राइबल ऑर्गनाइजेशन का ग्रेटर एलिमेंट होता था, पार्टिसिपेशन हुआ करता था, लेकिन ऐसा कुछ किंगडम्स में नहीं था। द रूलिंग फैमिली बिकम्स अ डायनेस्टी विद द हेरिडिटरी सक्सेशन। किंगडम्स में की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो रूलिंग फैमिली हुआ करती थी बिकेम अ डायनेस्टी विद हेरिडिटरी सक्सेशन। यहाँ पे एक हेरिडिटरी सक्सेशन का सिस्टम था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है, वो वाला सिस्टम था। अगर बात करें गणसंघ में, द कॉरपोरेट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट वॉज अ मेजर एट्रीब्यूट टू गणसंघ। जो कॉरपोरेट एस्पेक्ट था ये इसका मेजर एस्पेक्ट था गणसंघ का। वहीं अगर बात करें हम और इसका यहाँ पे, तो पॉलिटिकल पावर वॉज कंसेंट्रेटेड इन द, ठीक है, इन द किंग हु वॉज एडवाइज्ड एंड असिस्टेड बाई मिनिस्टर्स। तो एक राजा होगा, उसका मिनिस्टर्स होंगे जो उसको एडवाइस करेंगे, एक एडवाइजरी काउंसिल होगा जैसे कि परिषद होगा या सभा होगा, ठीक। दे वेयर बेस्ड इन स्मॉलर जियोग्राफिकल एरियाज एंड हैड मोर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो गणसंघ में एक स्मॉलर जियोग्राफिकल एरिया में उनका बेस हुआ करता था, एंड हैड अ मोर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मोर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के रूप में ये होते थे। द डिस्कशन मैटर्स वेर प्लेस्ड बिफोर द असेंबली हु मेट इन अ हॉल कॉल्ड संथाग्रह। जो भी डिस्कशन मैटर है वेर प्लेस्ड बिफोर द असेंबली, असेंबली के सामने रखा जाता था। हु मेट इन अ हॉल, एक वो हॉल में मिलते थे जिसका नाम है संथाग्रह, ठीक है। गण पुराका वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कोरम रिक्वायर्ड फॉर मेजर डेलीगेशन। कोई भी मेजर डेलीगेशन करना है, डिस्कशन करना है, चर्चा करना है, तो पुराका गण, जो पुराका था, वो रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे, एक तरह के ऑफिसर मान लीजिए, कोरम को इंश्योर करने के लिए। तो कितना कोरम होगा, इतने मेंबर आएंगे तभी बातचीत आगे बढ़ेगी। द काउंसिल डिस्कस्ड एंड डिबेटेड द इशूज, जो भी काउंसिल थी वो क्या करती थी, किसी भी इशू को डिस्कस करती थी, डिबेट करती थी, एंड दे वेर पुट टू वोट, और फिर वोट करने के लिए वो उसको रखते थे। इफ़ अनएनिमस डिसीजन कुड नॉट बी रीच्ड, अगर अनएनिमस डिसीजन नहीं पहुँच पाया तो बाकायदा यहाँ वोटिंग होती थी गणसंघ में। वोटिंग वॉज डन विद द पीसेस ऑफ वुड नोन एज सलाकास एंड सलाका गह पक्का, द कलेक्टर ऑफ वोट्स। सलाकास एंड सलाका के हेल्प से वुड का पीस होता है, उसके हिसाब से वोटिंग हो जाता था। गह पक्का इंश्योर्ड ऑनेस्टी एंड इम्पार्शियलिटी, तो ऑनेस्टी और इम्पार्शियलिटी इंश्योर करना किसका काम था? गह पक्का का। वहीं अगर बात करें इधर, तो इधर हम देख चुके हैं ऊपर में, एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होगा, राजा होगा, ठीक है, हेरिडिटरी सक्सेशन होगा, परिषद और सभा होगा उसको एडवाइस करने के लिए। However, the emergence of the concept of divinity of the king and more emphasis on priestly rituals and centrality of the popular assemblies was introduced. ठीक है, तो divinity of king emerge हुआ और priestly rituals पे ज़्यादा emphasis दिया जाने लगा और assembly का जो popularity है वो थोड़ा कम हो गया। अगर हम location की बात करें तो most of the ganas were located इन और नियर द हिमालयाज फुट हिल्स इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में जो फुट हिल्स के जो नीचे वाला इलाका था वहाँ पे मोस्टली गन्स गनाज थे। अगर हम किंगडम्स की बात करें तो मेजर किंगडम्स जनरली ऑक्यूपाइड इन द फर्टाइल एलुवियल ट्रैक्ट्स ऑफ गंगा वैली। तो गंगा वैली का जो फर्टाइल एलुवियल ट्रैक्ट्स है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द किंगडम्स एस्टैब्लिश था। सोसाइटी की बात करें तो गणसंघ वेयर मोर रेडी टू टॉलरेट अनऑर्थोडॉक्स व्यूज। तो अनऑर्थोडॉक्स व्यूज़ था उसको टॉलरेट करने के लिए गणसंघ ज़्यादा तैयार था कि भाई ठीक है, कुछ अगर अनऑर्थोडॉक्स व्यूज़ है, विचार है, उसको भी हम अपने व्यूज में कंसिडर करेंगे। एंड मोर ओपन टू इंडिविजुअलिस्टिक और इंडिपेंडेंट ओपिनियन देन किंगडम्स। और यहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक और इंडिपेंडेंट ओपिनियन को भी बहुत ओपन था उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसको कंसिडर करने के लिए। एंड दिस टॉलरेंस वॉज अ मेजर रीजन दैट टू ऑफ द मोस्ट वेनरेटेड गुरुज ऑफ द हेट्रोडॉक्स सेक्ट। और यही कारण था कि दो काफ़ी जाने माने हेट्रोडॉक्स सेक्ट निकल कर आए, जैसे कि महावीरा है, जैनिज्म बिलोंग टू द वज्जी कन्फेडरेसी, वज्जी कन्फेडरेसी से ही थे महावीरा, एंड बुद्धा बुद्धिज्म, ये साक्य क्लैन से थे, दोनों ही रिपब्लिक था। वेर एबल टू प्रोपिगेट देयर फिलोसफी इन ए मोर अनरिस्ट्रिक्टेड वे इन गणसंघ एज कैंपेन टू किंगडम। तो महावीर और बुद्धा, ठीक है, ये सब क्या है, गणसंघ से निकल कर आए थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर टॉलरेंस था इंडिविजुअलिस्टिक और इंडिपेंडेंट ओपिनियंस का। लेकिन वहीं अगर हम किंगडम्स की बात करें, समाज की बात करें, तो ब्राह्मणिकल पॉलिटिकल सोशल एंड रिलीजियस थ्योरी वॉज मोर डीपली इंट्रेंच्ड इन द किंगडम्स। वो किंगडम्स में था, ठीक है, ब्राह्मणिकल कंसेप्ट ज़्यादा इन्वॉल्व था।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा सोसाइटी और लोकेशन वगैरह देख लिया सब कुछ, गणसंघ और किंगडम के बारे में डिफरेंस समझा, और ऊपर कुछ इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम खत्म करेंगे जो 16 महाजनपद है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।